हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट लाइव। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर बच्चों, आप सब हो फिट और हेल्दी, सब रख रहे हो अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान, और साथ ही साथ सब कर रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी। तो बच्चों, मेरा नाम है सीमा चौहान, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कंपेयरिंग क्वांटिटी का लेक्चर नंबर 3। और ये लेक्चर नंबर 3 बच्चों बेहद खास है, क्योंकि इस चैप्टर में और इस टॉपिक में स्पेशली हम क्या करेंगे, रेशियो टू परसेंटेज, मतलब रेशियो को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और साथ ही साथ इंक्रीज और डिक्रीज। जब हमसे पूछा जाता है ना कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो कितने परसेंट वो इंक्रीज हुई और कितने परसेंट वो डिक्रीज हुई, वो चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों क्लास की। जल्दी से आप अपनी क्लास में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार नोटिफिकेशन के बारे में बता चुकी हूँ कि नोटिफिकेशन को सेट कर लो, ताकि क्लास स्टार्ट होते ही आप क्लास में प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है हमारे पास। हमारे पास सबसे पहले टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल तो आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा बच्चों, 9 बजे होती है आपकी सोशल साइंस की क्लास, 10 बजे होती है मैथ्स की क्लास, और 11 बजे होती है आपकी साइंस की क्लास। ठीक है, और ये क्या है, इसमें हम करते हैं अपने जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, उनको रिवाइज करते हैं, और मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सी चीज़ आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इवनिंग में भी है टाइम टेबल। इवनिंग का टाइम टेबल न्यू बैचेस के लिए है, ठीक है, जिनके एग्जाम 2022 में होंगे। यहाँ पर 4 बजे से आपकी क्लासेस लगनी शुरू हो जाती है। इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहली क्लास होती है, और आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है 5 बजे, सोशल साइंस की क्लास 6 बजे, इंग्लिश की 7 बजे, मैथ्स की, और 8 बजे होती है साइंस की क्लास। ठीक है, तो ये दोनों टाइम टेबल बच्चों नोट कर लो अच्छी तरह। चलो भाई, आगे बच्चों हम बढ़ते हैं एक छोटे से क्विज की तरफ। कल आपको 11 AM वाली क्लास नहीं मिली। कहाँ पर नहीं मिली बच्चे आपको? लाइव क्लास नहीं मिली, 11 बजे आप ज्वाइन नहीं कर पाए, या फिर आपको ऐप पर नहीं मिली, ये बताइए। आपको ऐप पर कल 11 बजे वाली क्लास नहीं मिली, या फिर आपको 11 बजे जो लाइव क्लास होती है उसमें आप ज्वाइन नहीं कर पाए? कल तो थे आप, ऐप पर नहीं मिली। देखो, ऐप पर आपको क्या करना है, ऐप पर जब आप खोलते हो ना अपनी क्लास, आज तो मेरे पास नोटिफिकेशन वाला है, लेकिन आपको मंडे को मैं बताऊंगी कैसे आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी था पहले ही, तो कैसे आपको करना है, जैसे आप अपने डाउटनेट पेज पर जाते हो ना, होम पेज पर, तो उसको नीचे स्क्रॉल करके देखिए। वहाँ पर एक तो आपको दिखता है लाइव क्लासेस, जो मतलब उस टाइम आपकी चल रही होती हैं, फिर उसके नीचे आपको ईयर लिखा हुआ मिलता है, ऐसे 2021 और 2022। एक तो ईयर ऐसे लिखा होता है, और एक ईयर लिखा होता है 2020, और एक लिखा होता है 2021। ऐसे आपको सेशन लिखे हुए मिलेंगे उसमें, रीसेंट क्लासेस के नीचे। तो इस पर बच्चों आपको टिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे ही आप टिक करोगे ना, आपको नीचे अपनी मैथ्स की क्लास दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जब आप 2021 पर टिक करोगे तो। ठीक है, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है ये मॉर्निंग की है ना, ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2020 और 2021। तो ये जब आप रीसेंट क्लासेस के नीचे आप टिक करोगे ना इसको, इंग्लिश मीडियम और ये वाला ईयर, तब आपको उसके नीचे आपकी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है, 11 बजे वाली। तो मुझे बताना, ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं मिलती तो फिर मंडे की क्लास में और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, स्लाइड्स के थ्रू, कि कैसे कैसे आकर आपको अपनी क्लास देखनी है। ठीक है, चलो इतना पता चला, अभी ढूंढोगे ढूंढ लेना, ठीक है। करने के बाद भी नहीं मिलती, अच्छा चलो फिर आज मैं भी ढूंढती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। वैसे मुझे तो रोज मिलती है, बट फिर भी मैं एक बार और देखती हूँ, और फिर मंडे को आपको सारा बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको ढूंढनी है। वैसे मिल जाती है, बट फिर भी एक बार और देख कर आपको बताएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद है बच्चों क्विज, तो फटाफट से क्विज के लिए रेडी हो जाए। क्विज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देखो 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड एट साइंस एंड आउट ऑफ 20, मतलब 50% आउट ऑफ 20 जो है वो गुड इन साइंस है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड एट साइंस, बताने कि कितने जो बच्चे हैं वो साइंस में अच्छे हैं। चलिए डन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, अ बास्केट कंटेन 350 eggs इफ 12% ऑफ एग्स आर रोटन, मतलब 12% उसमें क्या है, खराब हो गए हैं, हाउ मैनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड, और कितने एग हैं जो अभी भी सही हैं बेचने के लिए।
चलिए डन। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं बच्चों। देखो वैसे तो आप जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 50% ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, अच्छे हैं साइंस में 20 में से, तो 20 का 50% क्या होगा, 50% का मतलब उसका हाफ हो जाता है ना, तो 20 का 50% क्या हो गया, 10 स्टूडेंट्स। तो ऐसे ओरली भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना तो हम निकाल सकते हैं 50% ऑफ 20 बच्चे क्या है साइंस को पसंद करते हैं। तो 50% का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10। तो 10 स्टूडेंट्स को क्या अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है। ओरली भी निकाल सकते हो, ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक बास्केट है जिसमें है 350 एग्स और उसमें से 12% क्या है खराब हो गए हैं, मतलब कितने खराब हो गए हैं, 12% ऑफ 350 जो एग्स हैं वो रोटन हो गए हैं, मतलब खराब हो गए। तो जैसे जैसे आप बोलती हो ना उसी लाइन को ऐसे मैथ्स में लिख लिया करो कि देखो कितने खराब हो गए हैं, 12% ऑफ 350 खराब हो गए। तो अब 12% निकालने की होता कितना है 12%, तो उसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, 12 और क्योंकि परसेंट है तो परसेंट का साइन हटाकर नीचे हमने लगा दिया 100, और कितने में से निकालनी है ये 20%, हमें निकालनी है 350 में से, क्योंकि 350 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 7 हमारा 35 और 5 2 10, फिर इससे कैंसिल करेंगे तो 6, ये आ जाएगा 42 एग्स। कितने आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, 42 एग्स। अब देखो 42 एग्स तो हमारे क्या है, यहाँ से रोटन है, मतलब कि खराब हो चुके हैं। अब वो कह रहा है कि कितने एग बचे हैं जो कि सेल कर सकते हैं, तो 350 में से बच्चों 42 आप माइनस कर देना, ये आ जाएगा 80 और यहाँ से हमारे पास बचेगा 3, ठीक है। तो 308 जो एग्स हैं वो क्या है, ठीक है, ठीक है। चलो ये पता चला इतना, ये बताइए इतना समझ आया ये क्वेश्चन कैसे निकालना है, कितने परसेंट खराब हो गए हैं और कितने परसेंट बचे हैं, डन है। अच्छा ये बताओ कि दो में से दो किसके सही हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन किसके सही है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत खास है और सेम का सेम 8th में भी है, तो दोनों क्लासेस की तैयारी एक साथ हो रही है आपकी, 7th की भी हो रही है और 8th की भी हो रही है। चलो बताइए जल्दी दो में से दो किसके सही है, जल्दी से बताएंगे किस किस के सही है, सबके सही है। चलो भाई उसके बाद है बच्चों आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन का। देखो ये तो नोटिफिकेशन के बारे में बता रही हूँ, अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि हमें क्लास नहीं मिल रही, तो अगली बार जो हमारी क्लास होगी ना तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, वैसे पहले बता चुकी हूँ कि कैसे आपको अपनी फ्री क्लास देखनी है, ठीक है। तो आज नोटिफिकेशन का देख लो, नोटिफिकेशन में आपको क्या करना है, कैसे आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, इसके लिए फ़ोन में सेटिंग सबने कर रखी है अपने फ़ोन में सेटिंग, नहीं कर रखी तो बच्चों कर लो। कैसे करनी है आपको, अपने डाउटनेट ऐप मतलब आपका जो फ़ोन है उसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ भी सेटिंग बनी होगी आपके फ़ोन की उसी सेटिंग में जाओगे, फिर आप जाओगे अपने ऐप्स पर, ऐप्स पर आपको मिलेंगे आपके ऐप्स मतलब मैनेज, आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपको मिलेंगे अपने ऐप्स, और ऐप्स में मिलेगा आपको डाउट नोट ऐप, ठीक है। डाउट नोट ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बैटरी सेवर मिलेगा, बैटरी सेवर पर आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ मिलेगा, नो रिस्ट्रिक्शन को टिक कर दोगे मतलब कि रिस्ट्रिक्शन वहाँ से हटा दोगे। रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद बैक आएंगे, बैक के बाद नोटिफिकेशन पर जाएंगे, और नोटिफिकेशन पर जाने के बाद डाउटनेट जो ऐप है उसको बच्चों ऐसे ऑन कर देंगे, मतलब ऐसे राइट साइड में कर देना है, और जैसे राइट साइड में करोगे इसके अंडर और भी ये सारी चीज़ें आएंगी कि आपने साउंड को लाइव कर दिया, वाइब्रेशन, फ्लोटिंग नोटेशन, सियो नोटेशन, सबको ऑन कर दो, और इस तरह से आपके फ़ोन की हो जाएगी सेटिंग और आपको नोटिफिकेशन मिलने हो जाएंगे शुरू, ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब कि जैसे ही क्लास शुरू हुई आपके पास बेल गई फटाफट से और आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया। वैसे कुछ बच्चे मैं देखती हूँ कि क्लास के 2-3 मिनट पहले ही अपनी क्लास में आ जाते हैं ना, और बताते हैं भी कि मैम आई एम द फर्स्ट वन, तो अच्छा है वो क्या है, बड़े पंचुअल है, उनको लगता है कि क्लास शुरू होने वाली है तो फटाफट से ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो जो भूल जाते हैं या बाई चांस याद नहीं रहता तो वो नोटिफिकेशन सेट करके रखो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप क्लास में आ जाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास में आज हमें करना है बच्चों रेशियो टू परसेंटेज क्या कन्वर्ट करना है, इसको ध्यान से समझेंगे पहले, ठीक है, बिना बातें किए। रेशियो टू परसेंटेज आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखो रेशियो का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास है गिवन एक क्लास, क्लास में मान लेते हैं कि हमारी क्लास में है 20 बच्चे। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले बेसिक समझ लो कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है। हमारी क्लास में है 20 बच्चे, ठीक है। अब इन 20 बच्चों में से जो बॉयज़ हैं
बॉयज़ है हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है हमारे पास, वो है हमारे पास 3:2। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं, हमें नहीं पता कि कितनी गर्ल्स हैं, लेकिन हमें रेशो पता है कि बॉयज़ का रेशो है 3 और गर्ल्स का रेशो है 2। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताओ कि कितने परसेंट इसमें बॉयज़ हैं और कितने परसेंट इसमें गर्ल्स हैं, ये पूछा जाए, या फिर आपको सीधा कहे कि बताओ कि कितने इसमें बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं, फिर हम परसेंटेज निकाल लेंगे बॉयज़ गर्ल्स निकाल के भी, दोनों तरह से कर सकते हैं इसको। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपके पास रेशियो गिवन है इसमें बॉयज़ निकालना है, तो बॉयज़ का लिखोगे ऊपर, उसके बाद नीचे लिखोगे दोनों का सम, दोनों का सम कितना है 5 है, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से। इस 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास आया ये 12 क्या आ गया, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए, क्या आ गए, ये नंबर ऑफ बॉयज़। और नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 5, और यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो 8 हमारे पास हो गई। 8 हमारे पास क्या हो गई, यहाँ से गर्ल्स हो गई हैं। ठीक है, 8 क्या हो गई है, यहाँ से गर्ल्स हो गई हैं। ठीक है, तो गर्ल्स 8, बॉयज 12। अब अगर कोई आपसे कहे कि कितने परसेंट बॉयज़ हैं और कितने परसेंट गर्ल्स हैं, ये हमें बताओ कि कितने परसेंट बॉयज़ हैं कितने परसेंट गर्ल्स हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ तो हमने 20 लिखा था ना बॉयज़ और गर्ल्स निकालने के लिए, परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज के लिए यहाँ बता देती हूँ, परसेंटेज के लिए आपको अगर बॉयज़ बताने हैं कितने परसेंट हैं, तो भाई 3 तो हैं बॉयज़, टोटल हैं 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या कर देंगे 100 से, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका मतलब 60% क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, 60% हो गए बॉयज़। और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए क्या करोगे, 2 है गर्ल्स का, नीचे टोटल उनका रेशो और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये हो जाएगा यहाँ से 20, तो 40% क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन है, एक में तो फर्स्ट में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स बताई रेशो से, जो कि आप अपने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप अपने 6th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, आप अपनी क्लास में ये पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालनी है। अब आपने क्या पढ़ना है, परसेंटेज, और दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर हमने 20 लगाया तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकल आए, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 लगा दोगे, 100 लगा दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी कि 60% बॉयज़ हैं 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, ये बात पता चली कि कैसे हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जो भी रेशियो गिवन है वो ऊपर, जो उसका टोटल है वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये करने से आपकी क्या निकल आएगी, परसेंटेज निकल आएगी, जिसकी भी आपको पता करनी है। चलो ये बताओ कि इतनी बात पता चली कि कैसे परसेंटेज निकालनी है रेशियो से, क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है, मान लो जैसे बॉयज़ गिवन थे वो, और नीचे उनके रेशो का सम और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, सिर्फ ये चीज़ करनी है। ये वाला काम आप 6th में करते थे, जहाँ आपसे रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस थे, जहाँ पर पूछा जाता था कि नंबर ऑफ बॉयज़ बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज पूछना, दोनों में डिफरेंस पता चला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम 20 कब लिखेंगे यहाँ पर और 100 कब लिखेंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि 100 कब लिखना है 20 कब लिखना है। ठीक है, तो जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 लिखोगे, और ऐसे कोई पूछे कि बताओ 20 में से कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं, तो आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। चलो ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ इरेज, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप बच्चे मुझे बताते जाओगे। ठीक है, देखो, रीनाज मदर सेट टू मेक इडलीज, अब रीना की जो मदर है वो क्या करती है, इडली बना रही है, सेट टू मेक इडली बनाने के लिए कहती है, यू मस्ट टेक, वो कहती है कि इडली बनाने के लिए 2 पार्ट चाहिए राइस और 1 पार्ट चाहिए उड़द दाल। ठीक है, 2 पार्ट चाहिए राइस और 1 पार्ट चाहिए यहाँ से उड़द दाल, ये मैंने रेशो में लिख दिया, यहाँ पर इसका मतलब है 2:1, कि जो राइस है उसका रेशो 2 होना चाहिए और दाल का रेशो 1 होना चाहिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर कुड बी राइस एंड व्हाट परसेंटेज कुड बी उड़द दाल, अब वो कह रहा है कि कितने परसेंट तो उसमें राइस होनी चाहिए और कितने परसेंट होनी चाहिए उसमें दाल।
तो क्या हम ये निकाल सकते हैं परसेंटेज? रेशो मैंने बता दिया 2:1 है, दाल जो है वो 1 होनी चाहिए, राइस 2 होने चाहिए, ठीक है? चलो बताओ कि बच्चों क्या आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, जल्दी से बताइए। वैसे कितने बच्चे हैं जो जिनको इडली पसंद है? चलो कितने बच्चे हैं जिनको इडली पसंद है, और ये बताओ कि क्या ये जो रेशो लिख रखा ठीक है, ऐसे बनती है क्या इडली 2 पार्ट राइस और 1 पार्ट उड़द दाल डालने से, या मैथ्स में वैसे ही लिखा हुआ है? चलो फूड की भी नॉलेज हो जाएगी और पता भी लग जाएगा। कितने बच्चों को इडली पसंद है, कितने बच्चों को इडली पसंद है बताओ? बहुत कम बच्चों को। भाई मुझे तो नहीं पता कितने बच्चों को पसंद है। चलो अब देखो, अब यहां पर पहले लिखते हैं रेशो राइस का, ध्यान से देखते जाना, ठीक है? ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हमने लिखा यहाँ पर उड़द, ठीक है, राइस और उड़द, रेशो गिवन है इनका 2:1, ठीक है, 2:1 गिवन है। उसके बाद आप करोगे सम ऑफ रेशोज, क्या करोगे? सम ऑफ रेशोज, सम ऑफ रेशोज के लिए दोनों का सम कर दोगे, ये बन गया 3, ठीक है? अब हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ राइस इन इडली, परसेंटेज ऑफ राइस इन इडलीज, ठीक है? परसेंटेज ऑफ राइस के लिए बच्चों जो राइस का रेशो है वो ऊपर, ठीक है, जो टोटल रेशो का सम है वो नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये आ जाएगा यहाँ से 200 डिवाइडेड बाय 3, और जब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा? 2 6 18, 2 6 18 पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो 66 2/3% आ जाएगा। यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, देखो 200 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं ना, तो 3 6 18, फिर बचता है 2, फिर 3 6 18, इस तरह से ये 2 2 2 2 चलता रहता है। तो हमने ये 66 2/3 इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ राइस इन इडली। अब समझ आया, ये है एक्चुअल में जो हमें करना है। क्या करना है? जो रेशो गिवन है वो लिख दो, फिर रेशो का सम लिख दो, फिर राइस का निकालना है तो राइस वाला पोर्शन ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? उसी तरह अगर हमें उड़द दाल का निकालना है तो क्या करेंगे? उड़द दाल के लिए बताएंगे रिद्धिमा, क्या करेंगे हम उड़द दाल के लिए? उड़द दाल के लिए क्या करेंगे? उड़द दाल का कितना परसेंट है के रेशो में, कितना है? 1, और टोटल कितना है? 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो परसेंटेज ऑफ उड़द दाल बताओ जरा, परसेंटेज ऑफ उड़द दाल, ये आप बच्चे बताओ, उड़द दाल इन इडली बताओ, परसेंटेज ऑफ उड़द दाल इन इडली के लिए मैं क्या करूं, फिर मुझे पता चलेगा कि आपको पता चला या नहीं। उड़द दाल के लिए क्या करें? वेरी गुड, लिखा है एक बच्चे ने 1/2 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100, थोड़ी सी गलती है, एक बच्चे का सही है, ठीक है, नाम नहीं पता चल रहा, लेकिन नीचे 2 नहीं आएगा। सम देखो कितना है रेशियो का, सम है 3, तो नीचे 3 आएगा दोनों ही केस में, तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 100/3, और ये हमारे पास बन जाएगा, 100 को 3 से डिवाइड कर लो, 100 से कभी, 100 3 से कभी डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस भी हमेशा चलती रहती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 33 1/3%, ठीक है, क्या हो जाएगा? 33 1/3%। चलो अब फटाफट से जल्दी से बताओ कि क्या ये समझ आए। ये क्वेश्चन आपके बहुत खास है, पहली बार पहले ही बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर पूरी साल आप दुखी होते रहोगे कि नहीं आते नहीं आते नहीं आते। बताइए जल्दी से, 33% दाल, हाँ 33 राउंड ऑफ करके लिख दिया गया, लेकिन 33 1/3% लिखना है अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो, यहाँ पर भी 66 2/3 लिखना है, ठीक है? चलो सही है, अब आया समझ में शगुन, बिल्कुल सही समझ में आ गया। बताइए जरा कोई और जिसको नहीं समझ में आया हो, डन है, आगे बढ़े। क्या करना है? सबसे पहले क्या लिखोगे, कहाँ डाउट है भाई, पहले बताओ कि डाउट कहाँ है, ठीक है? अगर समझ में नहीं आया तो कहाँ पर डाउट है ये बताओ मुझे, ताकि पता चले। ये वाली चीज समझ में आई कि रेशो गिवेन है हमें, क्योंकि 2 पार्ट और 1 पार्ट लिखा हुआ था, तो 2:1 गिवेन है।
फिर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, उनके रेशो का बच्चों सम ले लेना है, ठीक है। फिर राइस निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ राइस, तो फर्स्ट वाला हमारा राइस का है रेशो, तो राइस का ऊपर नीचे उनका सम और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। फिर इसको सॉल्व करके ये परसेंट आ गई। फिर उड़द के लिए क्या लिखेंगे, उड़द का पोर्शन है 1, तो उड़द के लिखेंगे 1 और टोटल है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो उस तरह से हमारे उड़द दाल की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए अब पता चला रिद्धिमा, डन है, आगे बढ़े। अभी धीरे धीरे देखो, और प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको पता लगता रहेगा कि कैसे कैसे करना है। बस अब ये करना है कि रेशो लो, उनका सम करो, ऊपर जिसका पूछा है वो, नीचे सम, मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल दे दें, अगला देख लेते हैं, शायद हो सकता है ऐसा ही हो। चलो अगला भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है, ठीक है, अगला सेम ऐसे ही है, बस इसमें तीन आ गए हैं। ₹350 इज टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट रवि, राजू एंड रॉय, ठीक है, सेम वैसा ही है, आप लोग ही करके बताना। तीन बॉयज हैं, दोस्त हैं, मान लो तीन, रवि है, राजू है और रॉय है, उनको उनमें ₹250 को बांटा गया है, ठीक है। अब जो रवि है उसको मिले हैं 2 पार्ट्स, राजू को मिले हैं 3 पार्ट्स और रॉय को मिले हैं 5 पार्ट्स, ठीक है। कितने मिले हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेशो लिख देती हूँ इन सबका, रेशो ऑफ, आप लोगों की इजीनेस के लिए, रेशो ऑफ रवि और दूसरा कौन है, राजू एंड रॉय इज, देखो 2 पार्ट राजू के सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है, रवि पहले है और रवि का 2 दे रखा है तो 2 लिखोगे, ये वाला 2, राजू का दे रखा है 3 और रॉय का दे रखा है 5, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। हाउ मच मनी विल ईच गेट, हर एक को कितने पैसे मिलेंगे, एंड वट विल बी इन द परसेंटेज, और वो परसेंटेज में कितना होगा। तो हर एक को कितने मनी मिलेंगे ये तो आप निकाल लोगे, 6th में आपने किया हुआ है, इनका तीनों का सम करोगे, ऊपर 2 लिखोगे, नीचे सम लिखोगे और 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रुपीज निकल आएंगे, ये मैं बताऊंगी भी अभी, लेकिन परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो आप मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे अभी मैंने परसेंटेज के लिए बताया था ना, तो मुझे यहाँ से परसेंटेज ऑफ रवि बता दो फटाफट से, देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पाएगा। परसेंटेज ऑफ रवि मतलब रवि को कितने परसेंट मिला, बताइए जल्दी से बताएंगे कि रवि को कितने परसेंट मिला। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फिर देखते हैं कि कितने बच्चों को समझ आया है, रवि को कितने परसेंट मिला ये बताओ। परसेंट के लिए क्या करना है हमें, इन तीनों का करो सम, इन तीनों का करो सम, फिर रवि का जो पोर्शन है वो है 2, तो ऊपर लिखो 2, नीचे लिखो इनका सम और मल्टीप्लाई कर दो 100% से, 100 से कर दो मतलब बाद उसके पीछे परसेंट लगाकर, जल्दी से बताओ, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे सॉल्व करो, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे सॉल्व। 20%, 20, 30, वेरी गुड वेरी गुड, 20%, 20%, 30%, अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, अच्छा हाँ 20%, 30% और आगे जो भी है 5% या 50, ठीक है। क्या करना है परसेंटेज के लिए, पहले मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ परसेंटेज वाला, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो अब समझो, जिन्होंने आंसर दिए हैं वेरी गुड, बहुत सही उनके आंसर हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सम ऑफ रेशोज़, ठीक है, सम ऑफ क्या कर देना है रेशोज़, उसके लिए करोगे 2 + 3 + 5, ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 आ गया, ठीक है, सम ऑफ रेशोज़ आ गया। अब परसेंटेज ऑफ रवि निकालनी है हमें, तो उसके लिए क्या करोगे, जो रवि का पोर्शन है जो कि 2 है, टोटल जो है रेशो का सम 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंट निकालने के लिए, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में किया था, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 20%, यानी कि रवि का पोर्शन है 20%। उसी तरह परसेंटेज ऑफ क्या निकालनी है हमें, परसेंटेज ऑफ राजू, तो राजू के लिए बच्चों क्या करेंगे, राजू का है 3, ऊपर लिखोगे 3, नीचे लिखोगे टोटल रेशो का सम और मल्टीप्लाई 100% से, यहाँ से ये कैंसिल, ये बना 30%, ठीक है। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रॉय, रॉय का कितना परसेंट है, 5 रेशो है उसका,
टोटल रेशो का सम 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल और ये बन जाएगा 50%। तो मतलब कि हमारी परसेंटेज सबकी निकल आई, रवि की निकली 20%, राजू की निकली 30% और रॉय की निकली 50%। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे, समझ आया सभी को? समझना है सभी को, ठीक है, बातें बिल्कुल नहीं करनी है। चलो भाई, वेरी गुड, चलो समझ आया ना, जन्नत को भी समझ आ गया है ना। अब ये तो आया परसेंटेज में, क्योंकि उसने कहा था कि परसेंटेज बताओ, ये हमने बता दी। अब वो कह रहा है कि हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। अब ये कहे आपको कि ठीक है परसेंटेज तो हमें पता लग गया, इतने इतने परसेंट मिल गए, लेकिन 250 में से हमें रुपए कितने मिलेंगे। मान लो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, होते हैं ना ऐसे मेहमान जो हमें पैसे देकर जाते हैं कई बार। मान लो जैसे आप दो तीन बहन भाई हो और आपकी बुआ आई और आपको पैसे दे गई 100 रुपीज़ कि बच्चों बांट लेना, है ना, होता है ना ऐसा जनरली घरों में। तो फिर हम आपस में वो बांट लेते हैं, दो बहन भाई हो तो 50-50 वो कर लेते हैं, तीन हो तो भाई अपने हिसाब से किसको ज़्यादा किसको कम लेना है। तो अब मान लो मम्मी ने कहा कि 20%, 30 और 50% ले लो, बट परसेंट में पैसे तो पता हो ना कितने मिलेंगे। तो पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, परसेंट की जगह बच्चों क्या लगा देना है, वैल्यू लगा देनी है। मान लो जो रवि को मिलेगा, पहला हमारा रवि है ना, हाँ पहला रवि है, रवि को मिल रहा है दो, कितने में से, 10 में से, दो मिल रहा है 10 में से, और कितने पैसों को बांटना है, 250 रुपीज़ को बांटना है। तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 100 से नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं बतानी, रवि का पोर्शन बताना है कि उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो ये आ जाएगा ₹50। तो मतलब रवि को मिलेंगे 50 रुपीज़। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास है राजू, राजू को कितने मिलेंगे, राजू का परसेंटेज कितना था, 3 था, टोटल 10 है, 250 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएगा, राजू को मिलेंगे 75 रुपीज़। और थर्ड बच गया हमारा रॉय, रॉय का था 5 और नीचे टोटल, और यहाँ पर लिख दिया 250, यहाँ से कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 125। तो रॉय को मिल गए 125। तो ये तो हो गए रुपीज़ में कि इतने इतने रुपीज़ मिल गए 250 में से, और ये हो गई परसेंटेज कि ये परसेंटेज आपको मिलेगी। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो भाई, समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, जितना ध्यान लगा के समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलो समझ आया, चलिए भाई, वेरी गुड, जल्दी जल्दी ऐसे थंब दिखाएंगे कि मैम समझ आया। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे, 10 से क्यों डिवाइड किया? इसको 10 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि बच्चे 10 जो है ना इनके रेशो का सम है, जो इनका जो रेशो दे रखा है ना, 2:3:5, इनको ऐड करें तो ये 10 बनता है। अगर ये ऐड करके कुछ और बनता तो हम कुछ और लिख देते नीचे, मान लो 12 बनता तो हम 12 लिख देते, 30 बनता तो हम 30 लिख देते। ठीक है, पता चला, पता चला 10 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सम ऑफ रेशोज है क्योंकि वो। ठीक है, डन, ओके, चलिए भाई आगे बढ़े, हैप्पी बच्चे। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चंस, ट्राई दीज। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन तो पक्का पक्का आप ही करने वाले हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा एंगल्स का रेशियो और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। कर लोगे फाइंड, बताओ जरा करोगे? चलो एक के करके ट्राई करते हैं, फर्स्ट देखते हैं पहले। डिवाइड ₹50 स्वीट्स बनाना मनु एंड सोनू सो दैट दे गेट 20% एट 80% ऑफ देम। ठीक है, क्या है कि 20% और 80% मिले, इस तरह से हमें 15 बनानास को डिवाइड करना है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ट्राई दीज है। ठीक है, इसमें क्या है, 15 बनाना, 15 बनाना है और उसको मनु और सोनू में बांटना, और इस तरह से बांटना है कि 20% और 80% मिले। अब परसेंट दे रखा है, ठीक है, तो हम इसमें परसेंट दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है इसको करना। कैसे करेंगे, टोटल बनाना हो गई यहां से 50, ठीक है, 15 सॉरी। अब मनु जो है, मनु विल गेट कितना, 20% ऑफ 15। मनु को कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, तो मतलब 20% का साइन लगा के नीचे 100, और किसको डिवाइड करना है, 15 को, तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 5 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो मतलब मनु को मिल रही है यहाँ से 3 बनाना।
बनानास। ठीक है, मनु को कितनी मिली? 3। 20% उसको मिली 15 की, तो 20 का परसेंट हटाकर नीचे 100, क्योंकि 20% का मतलब है कि 100 में से उसको 20 मिलेंगी, तो 100 में से 20 मिलेंगी तो 15 में से कितनी मिलेंगी? यूनिटरी मेथड ये एक तरह से, ये भी देखो 100 में से उसको 20 बनाना मिली, तो एक में से मिलेंगी 20/100, और 15 में से मिलेंगी 20/100 × 15। सेम वही चीज़ है, या तो आप 20% of 14 15 लिख दो, या यूनिटरी मेथड से कर लो, सेम आंसर आने वाला है। तो ये तो मिली किसको? मनु को। सोनू को कितनी मिलेंगी? सोनू को मिल रही है 80%। कितनी मिल रही है? 80% of 15। तो 80% है, तो 80% हटाकर नीचे लगा दिया 100, क्योंकि 80% का मतलब है कि 100 में से 80, और हमें निकालनी है 15 की। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा, इसको इससे कर देंगे तो ये आ जाएगी 12। तो मतलब सोनू को मिलेंगी यहाँ से 12 बनाना, और जो मनु था बेचारा हमारा, उसको मिली 3 बनाना। हो सकता मनु छोटा हो, उसके लिए 3 ही बहुत है। ठीक है, तो मनु को मिल गई 3 बनाना, और सोनू को मिल गई हमारे 12 बनाना। ठीक है, क्या निकाला हमने? 20% दे रखा था कि 20% मिलेंगी, टोटल दे रखा था, तो 20% of 15 हमने निकाल ली कितनी बनी, फिर हमने 80% of 15 निकाल ली कितनी बनी, टोटल बनाना आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े, डन है इतना। चलो ये क्वेश्चन सेकंड ट्राई करोगे? चलो सेकंड ट्राई सेकंड देख लेते हैं। इफ द ट्राइंगल्स आर इन रेशियो, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:4, जो ट्राइंगल्स हैं उनका जो रेशियो है वो 2:3:4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसमें आप सोचोगे कि टोटल तो कुछ दे ही नहीं रखा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कुछ नहीं दे रखा, लेकिन क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से टोटल सम दे रखा है एंगल्स का, तो कितने बच्चे मेरी बात मानने के लिए तैयार है कि मैम एंगल्स का सम दे रखा है इसमें? दिख नहीं रहा लेकिन हमें पता है कि दे रखा है, बताओ जरा। टोटल एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, बताना जरा। मैं कह रही हूँ कि आपको पता है और वो दे रखा है, वैसे लिखा नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्टली हमें बता रखा है। बताइए बच्चों कितना है? 180। वेरी गुड भाई, वेरी गुड अमन। जो ट्रायंगल होता है ना, अब देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तो ज़रूर, मतलब जो हमारी बुक है, एग्जामिनर है या एग्ज़ाम है, उसमें तो छिपाई जाएंगी ना हमसे, ताकि हमें पता हो कि ये जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम होगा 180, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, और वो इसमें हमें अपनी तरफ से ही लगानी है। उसने कहा है कि इफ़ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:3:4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आप ये वाली चीज़ यूज़ करोगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जैसे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, या एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, या एक साल में 365 दिन होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि भाई एक 7th क्लास के बच्चे को वो पता होंगी। उसी तरह ये वाली चीज़ भी हो सकता है ना दी हो किसी क्वेश्चन में, अपनी तरफ से लिख लेना। अब यहाँ पर सिंपल सी बात, सेम जैसे मैंने बताया था, सम ऑफ क्या कर देना है? रेशियोज़ कर देना है। सम ऑफ रेशियोज करोगे तो बच्चों 2+3+4 सम आ जाएगा, 3+2 5 और 4 9। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल के लिए बच्चों क्या करेंगे? मैंने कहा था कि जो रेशियो है फर्स्ट का वो ऊपर, नीचे लिखेंगे टोटल और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 20 ज़ा, तो मतलब एंगल आ गया 40 डिग्री। ठीक है, सेकेंड एंगल की बात करें, सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल आएगा हमारे पास, सेकेंड का रेशियो है 3, तो ऊपर लिखोगे 3, नीचे लिखोगे 9, मल्टीप्लाई कर दोगे 180 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20, तो ये बन गया यहाँ पर 60 डिग्री। और थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड आप बताओगे भाई, थर्ड आप बताओ। चलो मैंने दो बता दिए, थर्ड आप बताओ। 80 डिग्री, थर्ड आ रहा है भाई 80 डिग्री। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम थर्ड है 80 डिग्री। चलो मान लेती हूँ मैं, रिद्धिमा को समझ आ गया शायद, अब है ना रिद्धिमा, थर्ड
थर्ड आ गया 80 डिग्री। चलो भाई वेरी गुड, बहुत भाई आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब बस फटाफट आंसर कर देते हो। 9 हो गया, 180 से कर दें इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा यहाँ से 20 और ये बन गया यहाँ से 80 डिग्री। ठीक है, और अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपके ये जो सारे आंसर आए हैं ना, ये सही है या नहीं। क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके देख लो, अगर ये तीनों ऐड करके 180 डिग्री बन रहा है तो मतलब आंसर सही है। तो देखो 40 और 60 100 होता है, 100 में 80 ऐड कर दें तो 180 आ गया, मतलब 180 को ही तो डिवाइड कर रहे थे, इसलिए मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, डन है, इजी। अब इजी हो गया ना, क्या करना है, जो भी रेशो गिवन है रेशो को ऐड करो। फर्स्ट का पूछा है तो फर्स्ट अपॉन में टोटल, परसेंटेज पूछी है तो 100 लगा दो, और परसेंटेज नहीं पूछी, वैल्यू पूछी है, वैल्यू पूछी है तो टोटल भी दिया होगा, टोटल कर दो, बस इतनी सी बात है। परसेंटेज है तो 100 और वैल्यू पूछी है तो टोटल, बस। ठीक है, चलो इजी पीजी हो गया, चलो ये तो इजी पीजी हो गया। देखा अभी तक जो हमें डरा रहा था ऐसे हवा बनकर, मॉन्स्टर बनकर, वो अब हमारे लिए इजी पीजी हो गया। चलो भाई उसके बाद बच्चों इसमें एक और चीज़ है छोटी सी, वो है इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। इसका जो मेन पोर्शन है वो हम कल करेंगे, एक छोटी सी बात बता देती हूँ जो आप होमवर्क में कर सको। इसलिए देखो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है, जैसे आपने अपनी मम्मी से सुना होगा बहुत बार, वो कहती थी कि पहले तो जो ये चीज़ थी ना इतने रुपए की आती थी और अब इतने की आने लग गई है। मान लो हम पेंसिल की बात करते हैं या पेन की बात करते हैं, तो पहले कोई आपको, मान लो आपकी मम्मी कह रही थी कि हम जब पढ़ते थे तो भाई 1 रुपए का पेन आता था बच्चों, है ना, और अब 10 रुपए का पेन आने लग गया है ना, अब पेन आने लगा है 10 रुपए का। तो मतलब ये चीज़ क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, पहले कम थी अब बढ़ गई है। तो वही हमें निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ी है या कितने परसेंट कम हो गई है ना। हो सकता है कि पहले ये कहें कि पहले मार्केट में ना बहुत सारे फ्रूट्स आते थे, है ना, मान लो बहुत सारे फ्रूट्स आते थे और अब आने कम हो गए हैं, तो कितने परसेंट कम हो गया है। ठीक है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हम पढ़ेंगे। जब आप, जब भी अब की बार आपके मम्मी पापा या दादी कोई भी बात करे ना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था और अब ऐसा हो गया है, इतना बढ़ गया है, तो समझ जाना हमारे इन्हीं मैथ्स के क्वेश्चन की बात हो रही है, हमें बताना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट बढ़ गई है वो चीज़ें। तो अपने दिमाग में फटाफट से उसको कैलकुलेट भी कर लेना, ठीक है, बताएंगे कल, ताकि एक साथ आपकी सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएँ। आज का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसी को ही अच्छे से करना, ठीक है। मेरे टाइम में भी 1 रुपये का ही पेन मिलता था, और जब हम कभी 5 रुपए का पेन ले भी आते थे ना, 5 रुपए का भी मिलता था, रेनोल्ड्स एक पेन होता है, अभी भी मिलता है, नीचे से वाइट होता है, उसकी ब्लू कैप होती है, वो 5 रुपए का मिलता था, और वो पेन हमें लगता था कि इतना महंगा पेन है 5 रुपए का, मतलब अगर किसी दिन ले भी आए ना तो उसको ऐसे संभाल के रखते थे बस जान से भी ज़्यादा, कि ये गुम ना हो जाए किसी भी तरह। ठीक है, तो 1 रुपए का पेन होना भी बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपए का पेन भी ऐसा नहीं है कि को हमें सस्ता लगता था, नॉर्मल था, ठीक है भाई 1 का तो आता है, लेकिन 5 का पेन और 10 का तो भाई कोई ले आए तो फिर वो कमाल ही हो जाए। आजकल के बच्चे तो 10 का तो उनको कुछ नहीं लगता, हालांकि मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20, 30, 40 के पेन यूज़ करते हैं ना, और बहाना क्या बनाते, सबसे अच्छी बात कि मैम 10 वाले से राइटिंग अच्छी नहीं आती, या फिर जो 50 का पेन है उससे राइटिंग अच्छी आती है। तो बच्चे राइटिंग तो हमारी खुद की होती है, पेन का उसमें रोल है, ये नहीं कहूँगी बिल्कुल रोल नहीं है, बट फिर भी उतना रोल भी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके चलो। उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीजिंग, कल करेंगे ठीक है, क्योंकि अगर ये आज बता दूंगी तो जल्दबाजी में होगा, हो सकता है आपको समझ ना आए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बस इससे रिलेटेड है कि किस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स और दिस ईयर अगेंस्ट 4 गेम वॉन लास्ट ईयर, मतलब इस साल उसने 6 गेम जीते हैं और पिछले साल 4 गेम जीते थे, तो बताओ कि उसकी जो परसेंटेज है कितनी बढ़ गई है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्या करना है, देख लेना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, पहले 4 जीते थे अब उसने 6 जीते हैं, तो कितना इंक्रीज हो गया, 2 गेम उसने ज़्यादा जीते हैं, तो जितना जीता है वो, और नीचे कर दोगे कि पहले कितना था वो, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसको बस सॉल्व कर देना, यही आपका होमवर्क है। समझ नहीं आया तो भी इस चीज़ को सॉल्व कर देना, जो इसको सॉल्व करके सेंड करेगा वो ही होगा हमारा नेक्स्ट जो मंडे है उसका स्टार स्टूडेंट। ठीक है,
और एक होमवर्क ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन जो आज किए हैं उस तरह का कोई एक क्वेश्चन आपकी बुक में से ढूंढना है और अपने आप करके मुझे सेंड करना है, ठीक है भाई? कुछ अपनी तरफ से भी तो खोजबीन होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसा हमने आज क्वेश्चन किया है वैसा ही कोई एक क्वेश्चन आप अपनी बुक में से ढूंढोगे और मुझे करके दिखाओगे, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको पता चल रहा है कि आप किस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलो, इंटरेस्टिंग है ना? वैसे तो आपके हॉलीडेज होमवर्क में भी तो इस तरह से मिलता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट बनाओ या फिर कोई चीज़ निकालो या अपने आसपास सर्वे करो। तो भी आसपास तो कहीं जा नहीं सकते, तो अपनी बुक खोलो फटाफट से, एक ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढो जैसा मैंने करवाया और होमवर्क करो। 50 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 50 आंसर है इसका, देखें जरा। 4 2 8, ओहो वाह वाई भाई, 50% इंक्रीज हो गया। बिल्कुल गई सही, 50% इंक्रीज हो गया। चलो, ये तो आंसर आ गया। अब होमवर्क समझ आया? एक होमवर्क तो कर दिया बच्चों ने, और दूसरा होमवर्क क्या है? जैसा हमने आज क्वेश्चन किए हैं वैसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में से ढूंढ कर करना है, ठीक है? और बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने मुझे अभी भी अपनी बुक का नाम नहीं बताया है, मतलब बहुत कम बच्चों ने बताया है। बुक बताओ बच्चों, आप कौन सी बुक आपके पास है, ठीक है? तो चलो, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट करेंगे हम कल की क्लास में। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस में उसके लिए भी लाई थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब फटाफट से एक क्विज ले लेते हैं। क्विज में आप बताएंगे, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। मतलब एक ऐसा नंबर बताओ जिसका 13% 65 है। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन ₹60। ठीक है, अगर इसमें ये है कि अगर हम 60% का को 20% लेस कर दें तो वो कितना बन जाएगा? तो पहले 60 का 20% निकाल लो, फिर माइनस कर देना 60 में से। चलो डन है, अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। देखो, 13% बताना है, ऐसा नंबर जिसका 13% क्या हो, 65 हो। तो 13% ऑफ एक्स मान लेते हैं 65 है, ठीक है? तो 13 की जगह 13/100 लिख दो और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो एक्स आ जाएगा 65 × 100/13। कैंसिल करेंगे तो 5, तो मतलब वो नंबर है 500 जिसका 13% 65 है। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ से है कि 60 का 20% कम कर दें तो कितना आएगा? इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप एक दुकान पे गए और एक ₹60 की चीज़ है और दुकानदार कह रहा है कि तुम्हें 20% ऑफ दे दिया, ले जाओ इसको, तो कितने में लाओगे? तो हम क्या निकालेंगे, 20% निकाल लेंगे 60 का और उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। तो मतलब उसने हमें 12%, ₹12 की छूट दे दी। तो छूट दे दी तो 12 माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा ₹48। तो अब हमें वो चीज़ मिलेगी ₹48 में, ठीक है? तो ये हुई आज की क्लास जिसमें हमने रेशियो टू परसेंटेज किया है। इंक्रीज और डिक्रीज अभी नहीं किया, कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से आ जाए तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है? तो ये हुई आज की क्लास हमारी बच्चों। अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। बस आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी पढ़ाई करते रहनी है। साथ ही साथ मुझे बुक बताना है आपके पास कौन सी बुक है, और सब बच्चे बताएंगे, ठीक है? तो चलो, मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।